हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बाकी दीगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो इस सीरीज़ में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना सीख सकते हैं। इसमें बाकी दीगर एप्लीकेशंस भी शामिल होंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से 1 अगस्त 1989 को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन रिलीज़ किए गए। डिफरेंट वर्जन से क्या मुराद है? डिफरेंट वर्जन से ये मुराद है कि जब कोई एप्लीकेशन रिलीज़ की जाती है तो उसमें कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई कमी रह जाती है हर बार। तो उस खामी या उस कमी को पूरा करने के लिए उसकी अपडेट्स जो हैं वो सेंड की जाती हैं कंपनी की तरफ से, जो कि एक नए वर्जन की सूरत में सेंड की जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। ये जो है एक एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशंस का ग्रुप है जिसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम देते हैं। और इसके डिफरेंट वर्जन जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में रिलीज़ किए गए हैं। इसके इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑफिस 98 जो है वो इसका फर्स्ट वर्जन था, जो 1998 में रिलीज़ किया गया। इसके बाद 2007, 2010, 2013 और इसके बाद भी एक वर्जन रिलीज़ किया गया जो कि 2016 था। तो इसमें मौजूद जो एप्लीकेशंस हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें पहली एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, यानी ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का मतलब है कि ये एक एप्लीकेशन है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसमें आपकी CVs, आपके क्वेश्चन पेपर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके असाइनमेंट्स और इस तरह की दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा MS Excel, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से एक एप्लीकेशन है। ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का मतलब है कि ये किस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी टेबल तैयार किया जा सकता है, यानी इसमें इस तरह का डाटा तैयार किया जाता है जो कि रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। इसमें डिफरेंट किस्म के आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, आप फंक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सी कैलकुलेशन इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूलाज की मदद से। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से एक एप्लीकेशन है, जो जिस एप्लीकेशन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा उसका नाम। तो ये एक स्लाइड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, यानी आप इसमें किसी भी किस्म की स्लाइड बना के उसे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं कॉन्फ्रेंस में या कोई क्लास की आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें आप जो है इसमें स्लाइड्स बना के और अपने पॉइंट्स जो है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की खास बात यह है कि आप अपनी स्लाइड्स को इसमें डिफरेंट एनिमेशंस और ट्रांजिशंस की मदद से थोड़ा डायनेमिक बना सक देखने वाले का उसमें जो है इंटरेस्ट पैदा होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एक बिजनेस ईमेल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, यानी आप अपनी ईमेल्स को इसमें मैनेज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपनी ईमेल को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ कॉन्फिगर कर लें और उसके बाद आपकी जो सारी ईमेल्स हैं वो आपको आउटलुक में रिसीव होंगी और यहीं से आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं और जो है शेड्यूल वाइज और जिस तरह से आप चाहें आप सेंड भी कर सकते हैं ईमेल्स। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। डेटाबेस एप्लीकेशन का क्या मतलब है? डेटाबेस का मतलब है ये एक इस तरह की एप्लीकेशन है कि आप इसमें अपने डेटा सेव कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? डेटा तो बाकी एप्लीकेशन में भी सेव किया जा सकता है, यानी डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अगर आपको रो कॉलम की फॉर्म में चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाली एप्लीकेशन है। यानी आप अगर प्रोग्रामर हैं, आप अगर डेवलपमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको लैंग्वेज वगैरह लिखते पर काम करते होंगे, कोई कोड वगैरह लिखते होंगे, तो उस कोड की मदद से आप अगर कुछ डाटा इसमें इंसर्ट करवाना चाहें तो क्यूरीज की मदद से इसमें जब आप काम करते हैं तो आपको जो है कोड की मदद से काम करना पड़ता है, यानी आपको कोड एक लिखना पड़ता है। वो कोड जो है क्या करता है कि इसमें डाटा आपका इंसर्ट करवा देता है। कोड का एक खास नाम है, उस कोड को क्यूरी कहा जाता है, यानी वो क्यूरीज होती हैं, वो कोड होता है क्यूरी के जो इसमें डाटा इंसर्ट करवा देता है।
और ये आमतौर पर जो है डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो हम इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसे भी हम ऑपरेट करना सीखेंगे। अब नीचे कुछ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें एक्सेल हमने देख लिया है, वन नोट जो है ये क्या है, ये न्यू वर्जन में अवेलेबल है, ये हम जो है 2010 इसमें इंस्टॉल करना सीखेंगे, और ऑपरेट भी हम माइक्रोसॉफ्ट 2010 को ही करेंगे, क्योंकि इसके जो कामयाब वर्जन है ऑफिस के वो 2007 2010 है, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। बाकी वर्जन भी कामयाब रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फेमस हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते रहे हैं। पब्लिशर क्या करता है, ये आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। आप इसमें डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको HTML और CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी सारी एप्लीकेशंस का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।